बहुत से लोग ना वीडियो देख के तो कहते हैं यार ये सुहाने खा है ऐसा हो ही नहीं सकता तो उनके बारे में उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर आपने मैं इतना ज़्यादा नहीं इन्हें कहता आप जब किसी चीज़ को काम कर खा रहा है उससे सिर्फ पूछिए आप, आपको पता चल जाएगा कि क्या है आपने अंदर देखा है इनके लिए मैंने पचास हज़ार रुपये का यूपीएस लगाया हुआ है ठीक है मैंने फ़ैन लगाया हीटर फैन रखा हुआ है बाहर गर्मियों में मैंने कूलर लगाया हुआ है इनके लिए ठीक है इनको हर वो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं जो हम खुद यूज़ करते हैं तो इसी वजह से दे रहे हैं कि वो हमें इतना बजट दे रही हैं अब यू ये सारा कुछ इन्हें किस लिए दिया हुआ है कि ये मुझे इतना कमा के दे रही हैं भाई जान वालेकूम अमजान कैसे हैं अल्लाह का शुक्र शिक्रदाएँ अच्छा भाई जान, नाजरीन को अपना तारफ़ कराइएगा सर मेरा नाम बदर मनर बाजवा है मैं लाहौर से हूँ पिछली दफ़ा लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सिर्फ यही बताया कि मैं कनाल बैंक से हूँ तो काफ़ी लोग ये समझते हैं कि मैं लाहौर से बाहर से सर ये लाहौर में है हरबंसपुरा के पास ही है कनाल बैंक ठीक है और बंसपुरा से एक दो किलोमीटर सात पीछे है ठीक है लिंक ये आता है कनाल रोड के ऊपर नहर के ऊपर अच्छा बताइएगा कि आप आयाम सिमानी घर की छत पे पाल रहे हैं ये आपका आ, कब से आपने ये काम स्टार्ट किया एज़ अ शौक कर रहे हैं या एज़ ए बिजनेस कर रहे हैं सर ये मैंने आसिम भाई पहले तो शौक ही किया था ये मैंने तो कुछ बर्ड्स रखे थे एक साल पहले ठीक है मुझे इस पर तकरीबन एक साल के करीब हो गया साथ मैंने आस्तो लोग रखी थी वो मैंने पहले ही सेल कर दी क्योंकि वो उसका मुझे समझ नहीं आ रहा था तो अयाम से मानी माशाला से किया तो शौक़ था लेकिन बिज़नेस में कन्वर्ट हो गया और ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये कह लें कि आप झूठ बोलने वाली बात है कि इतना अच्छा बिजनेस है और छोटी सी इन्वेस्टमेंट से इतना अच्छा बिज़नेस है कि मैं कह नहीं सकता बहुत अच्छा सिस्टम चाह रहा है मैं साथ गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ मैं रेलवे में एम्पलाये हूँ अच्छा आपने बताया कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा बिज़नेस चलता है मैंने आपके पास देखे हैं कि आपके पास काफ़ी ब्रीडर हैं कोई आठ दस मुर्गी हैं कोई तीन चार मुर्गे हैं तो बताइएगा कि आप ये भी बता रहे थे कि कम इन्वेस्टमेंट से कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो कितना बंदा कमा सकता है और घर के अंदर घर की छत पे घर के किसी कोने में क्या ये मुमकिन है सर मैंने ये चूज़ा लिया था पाँच हज़ार रुपये का उस टाइम तकरीबन एक साल पहले तो इसमें से मेरे दस पीस थे मेरे तीन की मोटैलिटी होगी एक साढ़े चार माह का था मुर्गा मेरा वो उसकी डेथ हुई बाकी मेरी सात फीमेल निकली अब दो मैंने मेल जो है वो एक फैसल भाई से लिया है एक मेरे रह, जानने वाले हैं मैंने उनसे लिया है और एक आपने ट्रा देखा है अंदर पेयर ये रिंग बर्ड का मैंने अभी मंगवाया है ये रिंग बर्ड का मैं काम कर रहा हूँ सेल परचेज भी कर रहे हैं ठीक है तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी इनकम हो जाती है आपको अच्छे से पता है कि सात आठ फीमेल जो है वो रेगुलर चार तीन से चार अंडे दे रही हैं ठीक है और इस टाइम जो रेट चल रहा है उस हिसाब से आप बेहतर जानते हैं कि एक अंडे ही सेल करने जाए तो वो पंद्रह सौ रुपये का सेल हो रहा है तो मैं तो अंडा नहीं सेल कर रहा मेरे पास तो ऑलरेडी दो माह की बुकिंग है डेढ़ से दो मंथ की बुकिंग चल रही है तो मैं तो सर चूज़ा ही सेल कर रहा हूँ बुकिंग पर ठीक है अच्छा भाई जान बताइएगा कि आपने बताया कि अंडा जो है वो पंद्रह सौ का सेल होता है बच्चा जो है वो भी आपकी दो मंथ की बुकिंग चल रही है अब जो भी नया बंदा देखता है ना वो ये कहता है यार पता नहीं कहाँ पे सेल होता है कहाँ इसकी मार्केट तो कैसे सेल कर हैं आप सर हम अंडा तो सेल ही नहीं करते हैं हम <coughs> चूजा ही सेल करते हैं और इसकी ऑनलाइन मार्केट आपको पता है कोई भी महंगा बर्ड्स होगा तो उसकी ऑनलाइन ही मार्केट होगी चाहे वो पेरिट हैं मुर्गी हैं या कुछ भी हैंज हैं या डॉग्स हैं कुछ भी इनकी ऑनलाइन मार्केट है ये लोकल मार्केट में नहीं सेल होते हैं तो इसको ऑनलाइन ही लगाना पड़ता है आप चेक करें ओ एल एक्स पे फेसबुक पे यूट्यूब पर इनके ऐड लगे होते हैं तो उसमें ये मिल जाएगा आपको ये सेल करना हो तो आसानी से सेल हो जाता है कुछ लोग पूछते हैं कि पंद्रह सौ का अंडा कौन लेता है कौन खाता है पंद्रह सर ये खाने के लिए यूज़ नहीं होता इसमें से चूज़ा ही निकलवाया जाता है क्योंकि ये आम सेमानी का अंडा होता है ये खाते नहीं हैं इसका चूजा जो है छोटा सा होता है ये ब्लैक कलर का इसका मीट होता है और ये इंडोनेशिया जावा आइलैंड की ब्रीड है ठीक है ये खाने के लिए नहीं अंडा यूज़ होता भाई पूछते हैं अक्सर है। अच्छा बताइएगा कि एक बंदा अगर एक ट्राय रख लेता है तो उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और वो मंथली कैसे इससे कमा सकता है चिक्स से एग्स से किस तरह से कमा सकता है और कितना कमा सकता है आप तो माशाल्लाह काफ़ी एक साल से इस ब्रीड के साथ काम कर रहे हैं आपका तो माशाल्लाह अच्छा खासा तजर्बा तो भी है सर आप देख लें कि एक ट्रायो है दो फीमेल होंगी एक मेल होगा रेगुलर अगर वो एक अंडा भी देती है ठीक है तो मंथली बन जाते हैं पंद्रह तीस अंडे बनते हैं तकरीबन तीस अंडों में से पच्चीस फर्टाइल अगर होते हैं ठीक है पच्चीस में से बीस चूजे भी निकले तो इस टाइम तो चार हज़ार का चूज़ा है अस्सी हज़ार रुपया तो आप उससे भी कमा सकते हैं जो पेयर आपने एक लाख बीस तीस हज़ार रुपये का आपको मिलेगा ट्रायो रिंग बल्ट का तो इसमें से अगर सत्तर अस्सी हज़ार रुपये आप कमा लें एक मंथ में तो आपकी तो इन्वेस्टमेंट वापस आ गई ना सारी जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है ठीक है अच्छा बताइएगा कि एक ट्रायो से क्या मुराद है ये थोड़ा सा नाजरी का बताइए सर ट्रायो से मुराद है कि एक मेल होता है दो फीमेल होती हैं ठीक है ये रिंग बर्ड की ले लेंगे तो वो बेहतर है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है उसकी जो पहली फर्स्ट जनरेशन यानी कि उसकी औलाद होती है वो एफ वन कहलाई जाती है ठीक है और एफ वन की जो है वो हेरिटेज में आ जाती है तो बेहतर ये है कि अच्छा ब्रीड रखें ताकि अच्छा काम हो उसका आपका ठीक है अच्छा माशा आपने बताया कि एक ट्रायल रख के बंदा इजिली अस्सी हज़ार रुपया कमा सकता है जी बिल्कुल ठीक है अच्छा बताइएगा कि माशा आप एक जॉब भी कर रहे हैं आप साथ अयाम शिमानी का काम भी कर रहे हैं अगर देखा जाए तो जॉब आपके लिए बेहतर है या फिर एयाम शिमानी का ये बिजनेस सर जॉब तो मेरी परमानेंट जॉब है वो तो एक अपनी जगह पे है लेकिन कारोबार में आपको पता है कि बरकत है कितनी ज़्यादा एटी परसेंट से ज़्यादा कारोबार में बरकत है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है मेरा आपने अंदर का सेटअप देखा हुआ है चूज़े भी पड़े हुए हैं मेरे पास जो बुकिंग पे हैं ठीक है मैं चूज़ा पहले दे रहा था पंद्रह दिन का अब मैं दे रहा हूँ एक से डेढ़ वीक का चूज़ा क्योंकि पंद्रह दिन का लोग कहते हैं रुकने नहीं देते वो कहते हैं हमें दो तीन दिन का ही दे दें लेकिन मैं दो तीन दिन का इसलिए चूज़ा सेल नहीं कर रहा कि सर्वाइव नहीं करता किसी के पास कोशिश करता हूँ कि इतनी महंगी जिसने चीज़ लेनी है वो सात दस दिन का ले ताकि थोड़ा हेल्दी हो जाता है तो उसे पालने में आसानी हो जाए अच्छा भाई जान आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं और काम भी कर रहे हैं आप जॉब भी कर रहे हैं साथ मुर्गी भी पाल रहे हैं बहुत से लोग ना वीडियो देख के तो कहते हैं यार ये सुहाने खा है ऐसा हो ही नहीं सकता तो उनके बारे में उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर आपने मैं इतना ज़्यादा नहीं इन्हें कहता आप जब किसी चीज़ को कोई काम कर रहा है उससे सिर्फ पूछिए आप, आपको पता चल जाएगा कि क्या है आपने अंदर देखा है इनके लिए मैंने पचास हज़ार रुपये का यूपीएस लगाया हुआ है ठीक है मैंने फ़ैन लगाया हीटर फ़ैन रखा हुआ है बाहर गर्मियों में मैंने कूलर लगाया हुआ है इनके लिए ठीक है इनको हर वो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं जो हम खुद यूज़ करते हैं तो इसी वजह से दे रहे हैं कि वो हमें इतना बजट दे रही हैं अब यू ये सारा कुछ इन्हें किस लिए दिया हुआ है कि ये मुझे इतना कमा के दे रही हैं है। अच्छा बताइएगा कि इनको मैंने आप, आ, आपका अंदर का सारा सेट वो अनाजर भी देखेंगे इनकी डेली की क्या रूटीन है क्या इनको डाल रहे हैं कि तकरीबन इनके ऊपर डेली का कितना खर्चा आ जाता है सर आप जितना भी कर लें काम है मैं कहता हूं कि एक अंडे का भी ख़र्चा अगर आप कर लें ना हज़ार से पंद्रह सौ भी तो वो भी कम है लेकिन इनका इतना ख़र्चा नहीं है मैं इनको रेगुलर बेस पे अंडा दे रहा हूं ठीक है ये मेरे पास बारह बर्ड्स हैं इनको मैं अच्छे अंडे देता हूं रेगुलर छः अंडे दे रहा हूँ फ़ीड है मेरे पास फ़ीड में मैंने काफ़ी कुछ मिलाया होता है वो भी मैं कभी टाइम हुआ तो मैं आपको दिखाऊँगा क्योंकि कभी तो मैंने इन्हें फीड डाल दी हुई है सुबह की मैं ऑयल घी डालता हूँ फीड में ठीक है ताकि इनकी चिकनाहट इनके विटामिन वगैरह पूरे रहें उसके अलावा मैंने अंडे के छिलके ग्रैंड किए हुए हैं वो इसलिए डालते हैं कि इनके जो अंडा है ना उसका छिलका वगैरह जो है ना कच्चा रह जाता है किसी टाइम ठीक है तो उसमें कमी ना हो उसके अलावा मेरे पास विटामिन पड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा वो मैं यूज़ करता हूँ हर हर फील्ड में हर दफ़ा हल्दी हफ्ते में दो दफ़ा हल्दी चलाता हूँ फील्ड में उसके अलावा मैं अदरक थम लहसन का जो है पेस्ट बना के वो देता हूँ इन्हें हर फील्ड में इनकी प्रॉपर आप इनकी केयर कर रहे हैं अच्छा बताइएगा कि जो दोस्त आपसे राबता करें उनको क्या मिल सकता है चिक्स मिल सकती हैं अंडे मिल सकते हैं या फिर मुर्गियाँ भी मिल सक सर चिक्स तो हमारे पास बुकिंग पे ही होंगे जो भी आएगा उसे एक से डेढ़ डेढ़ मंथ तो फाइनली बुकिंग यानी कि इसके इससे कम तो बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है और इन्हें बड़े ब्रीडर भी मिल जाएंगे सर वो बुकिंग पे होंगे लेकिन वो होंगे लोकल काम ही होंगे इंडोनेशिया यूरोपियन होंगे वो रिंग बर्ड होंगे अभी मेरा एक हो और है वो मैंने सेल करना है रिंग बर्ड का एक पेयर है ठीक है वो भी सेल करना है तो जिसको चाहिए होगा वो मैं अपना नंबर दे दूँगा आप वो चला दीजिएगा उस पर रबा कर ले वो मिल जाएगा उसे